जब भी फ्रेंड्स कोई मेरे पास केक का ऑर्डर आता है तो मैं उसी तलाश में लग जाती हूँ कि इस बार क्या नया डिजाइन बनाऊं, ट्राई करूं ताकि आपको कुछ नया सिखा सकूं। और ऐसे में प्रॉब्लम तब सॉल्व हो जाती है जब कस्टमर खुद ही अपनी केक की फोटोग्राफ आपके साथ शेयर कर दे। तो आज हम 1 kg का रेड वेलवेट केक बनाएंगे जिसमें हम चॉकलेट गार्निशिंग का भी इस्तेमाल करेंगे और बिल्कुल उन्होंने जैसी पिक्चर दिया है ना, हम वैसा ही केक बनाएंगे। और ये रेड वेलवेट है तो इसमें चीज फ्रॉस्टिंग भी बनाएंगे। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम रेड वेलवेट के अंदर क्रश कौन सा यूज होता है, तो आज सारी प्रॉब्लम्स इस वीडियो के थ्रू मैं आपकी दूर कर दूंगी। तो आज हमें 1 kg का रेड वेलवेट केक बनाना है, उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ये फ्लेवरसम शॉप से मंगाया हुआ रेड वेलवेट का प्रीमिक्स। आप इसे आधा केजी 1 kg की पैकिंग में मंगा सकते हैं। और कई बार दिक्कत आती है कि रेड वेलवेट केक जब हम घर की चीजों से बनाते हैं तो कलर अच्छा नहीं आया, तो इन सब झंझटों से आप फ्री हो जाइए और मार्केट का प्रीमिक्स यूज कीजिए। और ये उनका जर्मन ब्रांड का है, बनवाया हुआ कस्टमाइज, बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। तो यहाँ पर मैंने लगभग 3 कप प्रीमिक्स लिया है क्योंकि हमें 1 kg केक बनाना है। वैसे मेजरमेंट आप ग्राम्स पे स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे पानी, और देखिए पानी डालते ही कितना बढ़िया ब्राइट रेड कलर आ गया है और बिल्कुल भी ये स्टेन नहीं करता है, हाथों पे लगता नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम इसका स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। अब रेड वेलवेट केक का बैटर जब बना रहे हो ना फ्रेंड्स, तो नॉर्मली हम 3 टेबल स्पून 3 कप प्रीमिक्स में डालते हैं, बट यहाँ पर हम केवल 2 ही टेबल स्पून डालेंगे और बस इसे फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया कंसिस्टेंसी है, कलर आप देख सकते हैं, और ऑयल मिलने के बाद तो इसमें और अच्छी शाइन आ गई है, जिससे कि हमारा स्पॉन्ज देखिएगा कितना बढ़िया बनेगा। अब बीटर से मिक्स करने के बाद ना थोड़ा स्पेचुला से भी मैं कट एंड फोल्ड करूंगी ताकि कहीं कोई मिक्सचर है जो बिना मिले रह गया है वो भी अच्छे से मिल जाए। अब ये 1 kg का केक है फ्रेंड्स, और जो कस्टमर ने फोटो भेजी है ना उसमें वो केक थोड़ा टॉल है। मैं यहाँ पर ये 5 इंची का अपना बर्तन यूज कर रही हूँ, और सबसे पहले इसमें सेट करेंगे हम ऑडी का इको बेक बेकिंग पेपर, और इसकी मदद से ना केक देखिएगा कितने आराम से निकल जाएगा। मैंने इसमें कुछ भी नहीं लगाया है, ऑयल बटर वगैरह, और ये रीयूजेबल भी है और इको फ्रेंडली तो ये है। तो अगर आप इस बेकिंग पेपर को खरीदना चाहते हैं ना, तो इसका ऑनलाइन परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो जिस दिन फ्रेंड्स में ये रेड वेलवेट केक बना रही थी ना, उस दिन 1.5 kg का मेरा एक चॉकलेट केक का ऑर्डर और भी था, तो दोनों ही बैटर मैंने एक साथ अपने ओटीजी में बेक करने रख दिए। इसकी वीडियो मैं नेक्स्ट आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ पर मैं अपने अगारो के 25 लीटर ओटीजी को ही यूज करूंगी। पहले इसे 5 मिनट के लिए 150 डिग्री पर प्रीहीट कर लेंगे, और जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा तब मैं इसकी नीचे वाली रैक पर ही दोनों ही बर्तन एक साथ रख करके बेक कर लूंगी। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम 25 लीटर में कितने साइज का बर्तन चला जाता है, तो आप देख सकते हैं एक 8 इंची का और एक 5 इंची का बर्तन मैंने एक साथ डाला था और एक साथ ही मेरे केक बन गए हैं। यहाँ पर हम आज तो बनाएंगे रेड वेलवेट और चॉकलेट केक को साइड में रख देते। तो जो कस्टमर ने फोटो दी है ना फ्रेंड्स आज की, उसमें थोड़े से ना व्हाइट कलर के चॉकलेट बॉल्स भी हैं, तो उनको बनाने के लिए मेरे पास ये सिलिकन के मोल्ड हैं। तो मैं भी देख रही हूँ कि मुझे कितने साइज के बॉल्स बनाने हैं, क्योंकि इसमें तो छोटे से बड़ा काफी सारे साइज हैं। मुझे केवल 2 ही साइज चाहिए, तो एक इसका सबसे छोटे वाला और एक मीडियम साइज का मैंने ले लिया है। और मुझे कुछ और भी छोटे बॉल्स बनाने हैं जिनके लिए मेरे पास ये दूसरा स्टाइल का सिलिकन का मोल्ड है, और इनकी मदद से ही आज हम बॉल्स बनाएंगे। तो बॉल बनाने के लिए व्हाइट चॉकलेट कंपाउंड चाहिए होगा हमें। यहाँ पर मेरे पैकेट में देखिए कुछ चॉकलेट पहले से ही मेरा ग्रेट किया हुआ रखा है, तो मैं वो सारा रियूज कर लेती हूँ। और थोड़ा सा मेरे पास कम पड़ रहा है तो मैं एक्स्ट्रा कट कर लेती हूँ चाकू से, और इसको अब हम करेंगे मेल्ट। और बाकी की चॉकलेट को आप रूम टेम्परेचर पर अच्छे से क्लोज करके स्टोर कर लीजिएगा। यहाँ पर 10 सेकेंड के लिए फ्रेंड्स इसको मैंने गर्म किया है, थोड़ा सा मिक्स करेंगे और फिर से 10 सेकेंड के लिए एक बार रखेंगे माइक्रोवेव में, और धीरे धीरे करके हम चॉकलेट को मेल्ट कर लेंगे। वैसे मैंने अपने चैनल पर ना चॉकलेट को प्रॉपर मेल्ट करने का तरीका डाला हुआ है, और आप चाहें तो डबल बॉयलर की प्रोसेस से भी मेल्ट कर सकते हैं, बट माइक्रोवेव में ना काम आसान हो जाता है। बस 10-10 सेकेंड 2-3 बार आप रखेंगे तो आपकी चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी। और यहाँ पर मैंने 2 बार रखा है 10-10 सेकेंड के लिए, और चॉकलेट हमारी मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। और व्हाइट चॉकलेट ना थोड़ी सी सेंसिटिव होती है, मतलब इसको बहुत टेम्परेचर अगर आपने दे दिया तो ये क्रम्बल हो जाएगी, तो आपको हल्के टेम्परेचर पर ही इसको मिक्स करते करते ही मेल्ट करना होगा। यहाँ पर देखिए मैं सिर्फ और सिर्फ इसे मिक्स कर रही हूँ, और जितने भी लम्स थे ना वो डिजोल्व हो गए हैं और चॉकलेट बढ़िया से मेल्ट हो गई है। तो हमें बनाने हैं बॉल्स, उसके लिए इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी हमारी अब रेडी है। अब यहाँ पर ना मैं स्पेचुला से ही थोड़ा थोड़ा मिक्सचर इनके बॉल्स के राउंड में डाल दूंगी, और आप चाहें तो पूरा भर करके इसे टैप करेंगे तो भी कवरिंग हो जाएगी, अदरवाइज पहले थोड़ा थोड़ा डाल करके थोड़ा फिंगर से स्प्रेड करेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। बेसिकली आपको चॉकलेट को अच्छे से कोट करना है, क्योंकि अगर थोड़ा भी कहीं कम रह गया तो बॉल्स निकालने में दिक्कत आ सकती है। और यहाँ पर देखिए थोड़ा थोड़ा करके मैंने चारों में अच्छे से चॉकलेट डाल दिया है, और अच्छे से अब मैं इसको स्प्रेड करूंगी फिंगर की मदद से। और यहाँ पर आप कमेंट मत कीजिएगा कि मैम आप हाथ से कर रही हैं, हाइजीनिकली क्लीन नहीं है, मेरे हाथ अच्छे से साफ किए हुए हैं और बढ़िया से मैंने इसे स्प्रेड कर दिया है। अब यहाँ पर स्पेचुला से ही जो दूसरे वाले मोल्ड है ना, इसमें भी हम चॉकलेट डालेंगे, और इतनी चॉकलेट डालिएगा कि जब आप रोटेट करें तो एक अच्छी खासी कोटिंग हो, क्योंकि पतली रह गई तो बॉल्स निकलने में दिक्कत आएगी, वो टूट जाएगी। तो यहाँ पर लगभग आधा आधा मोल्ड मैंने चॉकलेट से भरा है, और बस रोटेट कर रही हूँ अब मैं ताकि चॉकलेट अच्छे से स्प्रेड हो जाए।
और आप चाहें ना तो एक बार स्प्रेड करने के बाद दोबारा भी एक और कोटिंग कर सकते हैं, बट मुझे यहाँ लग रहा है कि मेरी कोटिंग अच्छे से हो गई है, आराम से निकल जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने चारों के अंदर ही देखिए चॉकलेट डाल करके अच्छे से रोटेट कर लिया है, और इसी से फ्रेंड्स हमारे केक में बहुत ही गजब की लुक आएगी। अब इन सभी मोल्ड्स में चॉकलेट को स्प्रेड करने के बाद ना इसे आपको फ्रिज में रखना होगा 5 मिनट के लिए, और या फिर आप रूम टेम्परेचर पर छोड़े तो कम से कम 15 से 20 मिनट आपको छोड़ना होगा। तो मैंने इसे यहीं पर छोड़ दिया है, और तब तक बाकी की चॉकलेट को ना एक पतले से पाइपिंग बैग में डाल करके मैं कुछ अल्फाबेट वाले सिलिकन मोल्ड में डाल दूंगी, क्योंकि मुझे हैप्पी बर्थडे और बच्चे का नाम भी इन्हीं से लिखना है। तो यहाँ पर जो अल्फाबेट है ना उस हिसाब से मैं इसे अच्छे से डाल लूंगी, और सभी में डालने के बाद ना अच्छे से टैप करेंगे, एक्स्ट्रा चॉकलेट रिमूव कर देंगे और इसे भी ड्राई और सेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो लगभग 20 मिनट मैंने इसे ऐसे ही छोड़ा, क्योंकि मुझे और भी केक का काम था। तो जब तक मैंने वो किया ये ड्राई हो गए, और अब देखिए हल्का सा नीचे की तरफ से पुश मारेंगे ना जब आप मोल्ड में, तो ये लेटर्स आपके आसानी से निकल जाए। और हो जाता है फ्रेंड्स कई बार ना लेटर्स निकालते हुए टूट भी जाते हैं, तो आप एक्स्ट्रा बनाकर चलिए, कई बार क्या है एंड टाइम पर टूट गया तो आपको दोबारा बनाने का टाइम नहीं मिलेगा। तो हर लेटर यहाँ दो दो तीन तीन दिए हुए हैं, आप आराम से बना सकते हैं। और ऐसे ही इन बॉल्स को भी हम निकाल लेंगे, तो नीचे से हल्का सा देखिए प्रेशर देने से ही ये बॉल बाहर आ जाएंगी। तो हमारी हाफ हाफ बॉल्स रेडी हुई हैं, हमें सर्कल में इन्हें बनाना है कंप्लीट स्फेयर में। तो वो कैसे बनाएंगे अभी मैं आपको बताऊंगी, बट पहले इन्हें निकाल लेते हैं। ये देखिए बहुत ही डेलिकेट होती है फ्रेंड्स, अगर आपको दिक्कत आए तो गर्म पानी में हल्का सा टैप कर लीजिएगा और फिंगर से थोड़ा सा रब कीजिएगा, ये आराम से बाहर आ जाएंगे। ये देखिए तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये बॉल्स आ गई हैं। अब मैंने क्या किया, एक बाउल को ना ऐसे गैस पर गर्म कर लिया है, और इसकी मदद से अब इन बॉल्स को ना हम चिपकाएंगे। ये देखिए हल्का सा टच करेंगे ना जब आप कटोरी के ऊपर, तो वो गर्म है तो मेल्ट वहां से चॉकलेट हो जाएगी, और उसी की मदद से आप इन्हें आपस में स्टिक कर सकते हैं, और इससे ना जो उसकी एजेस है वो भी स्मूथ हो जाएंगी। तो हमने 8 ये हाफ हाफ बॉल्स बनाई थी, जिन्हें आपस में अब हम स्टिक करके ना एक बॉल कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारे पास 4 टोटल बॉल्स हो गई हैं, और ये जो बर्तन हमारे गंदे हुए हैं ना फ्रेंड्स चॉकलेट के, इनको साफ करने के लिए आप गर्म पानी में विम बार लिक्विड डालिएगा और उससे अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम इसे आप क्लीन कैसे करते हैं, तो देखिए साथ के साथ मैंने वो भी बता दिया है। अब केक भी अच्छे से ठंडा हो गया है, इसको डिमोल्ड कर लेंगे। और अब ना क्योंकि इस केक को हमें टॉल में बनाना है और ये 1 kg का केक है, तो ऊपर की डोम शेप हटाने के बाद केक को मैं 4 लेयर में कट करूंगी। जनरली हम 3 में कटते हैं, बट आज हम 4 लेयर इसकी कट करेंगे, ताकि उतनी लेयर में हम क्रीम लगा पाएं और अच्छे से इसका हाइट और वेट बढ़ जाए। यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया कलर है स्पॉन्ज में, बढ़िया जाली बनी है और कहीं भी कोई ब्राउन कलर नहीं आया है। अब फ्रेंड्स हम इसकी चीज़ फ्रॉस्टिंग रेडी करेंगे। तो जनरली 1 kg केक के लिए ना हमें 500 ml क्रीम चाहिए होगी, तो मैंने क्या किया है 250 ml क्रीम अभी ली है और इसको मैंने विप किया है। अब जैसे ये विप होने वाली होगी ना, तभी इसके अंदर हम चीज़ इटालिया की डाल देंगे, चीज़ क्रीम। आप डेलेक्टा की यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके आसपास मिलती हो। कम से कम आपको 3 टेबल स्पून भर करके इसमें ये क्रीम चीज़ डालनी होगी, और इससे ना आपका काम इतना आसान हो जाएगा, टेस्ट इतना गजब का आएगा कि पनीर और छेने वाले काम में बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं तो आजकल ये चीज़ क्रीम रखती हूँ, फटाफट से मेरी चीज़ फ्रॉस्टिंग रेडी हो जाती है। अब इसे फिर से मिक्स कर लेंगे और हमारी चीज़ क्रीम रेडी हो जाएगी। अब फ्रेंड जो केक की मेन डेकोरेशन होगी ना, उसको हम नॉर्मली जो हमारी क्रीम होती है विप क्रीम उसी से करेंगे, बट लेयरिंग के अंदर हम चीज़ फ्रॉस्टिंग ही डालेंगे। यहाँ पर क्रीम हमारी रेडी है, चलिए अब एक एक करके आइसिंग कर लेते हैं। तो मैंने 5 इंची के बर्तन में फ्रेंड्स केक स्पॉन्ज रेडी किया है, लेकिन मैंने बोर्ड 8 इंची का लिया है। वो किस लिए, क्योंकि मुझे इसमें चॉकलेट के लेटर्स के जो नाम है ना वो यहाँ पर प्लेस करने हैं, तो उसमें स्पेस लगेगा, इसीलिए मैंने बोर्ड बढ़ा लिया है। अब इस स्पॉन्ज की लेयर को ना हम अच्छे से मॉइस्ट करेंगे पहले, और जो चीज़ क्रीम हमने रेडी की है उसकी एक लेयर इस पर सेट कर देंगे। अब बारी आती है फ्रेंड्स क्रश की। तो रेड वेलवेट में अगर आप व्हाइट चॉकलेट का गनाश डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं, उससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। बट ऐसे ही व्हाइट चॉकलेट को ग्रेट भी करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ चॉकलेट को ग्रेट कर रही हूँ, और ऐसे ही हम बाकी की लेयर्स को भी रखते जाएंगे। और इस तरीके से ना केक की क्रम कोटिंग भी साथ में करेंगे ना, तो आपको केक की फिनिशिंग में दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर 2 लेयर मैंने रख दी है, सेम वही प्रोसेस है, फिर से चॉकलेट ग्रेट कर रही हूँ और फिर से 3री लेयर, और ऐसा करते करते चारों ही लेयर्स मैंने प्लेस कर दी है। अब थोड़ी थोड़ी चीज़ फ्रॉस्टिंग से ही हम इसकी क्रम कोटिंग करेंगे, और बस हमारी चीज़ क्रीम हमने इतनी ही रेडी की थी कि वो अच्छे से लेयरिंग में यूज़ हो गई है और थोड़ी सी कोटिंग हो गई है। अब फ्रेंड्स मैंने अलग से फिर से लगभग 200 ml क्रीम विप की है, जिससे कि मैं इसकी डेकोरेशन कर पाऊँ। और यहाँ पर ये केक थोड़ा टॉल है ना, तो इसकी शेप कहीं गड़बड़ा ना जाए, तो मैंने एक छोटा सा बैम्बू का डॉवल इसमें सेट कर दिया है। वैसे आप नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, बट फॉर सेफ्टी अगर कर देंगे तो अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर ये नॉर्मल विप्ड क्रीम है फ्रेंड्स, जो मैंने अलग से विप की है, और इससे मैं केक की थोड़ी सी क्रम कोटिंग अच्छे से कर दूंगी, क्योंकि इसके ऊपर हमें डिजाइनिंग करनी है। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी क्रीम लगा करके मैंने देखिए अच्छे से फिनिशिंग कर दी है। अब फाइनल फिनिशिंग हम स्क्रैपर की मदद से करेंगे। ये देखिए बस स्क्रैपर मैंने नूर का लिया है, अच्छी खासी उसकी हाइट है, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। और आप ये स्क्रैपर भी फ्लेवर सम शॉप से मंगवा सकते हैं। ये देखिए
अब फ्रेंड जो थोड़ी सी क्रीम मैंने बचा ली है उसमें मैंने ये डाला है रेड कलर, और ये कलर मैजिक का रेड कलर है, 2 ड्रॉप मैंने डाला है, अच्छे से करेंगे मिक्स, और इससे ही हम अपने केक की ना फाइनल आइसिंग करेंगे और फिर उसके ऊपर डिजाइन बनाएंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, कलर हमें बहुत रेड नहीं चाहिए, जो उन्होंने फोटोग्राफ में भेजा है बिल्कुल वैसा ही कलर हमारा आ गया है। चलिए शेड भी हमारा बन गया, अब इसको पाइपिंग बैग में भर करके ना केक के चारों तरफ लगाएंगे और फिर इसकी फाइनल आइसिंग करेंगे। वैसे आज का जो केक का डिजाइन है ना फ्रेंड्स, उसे पैलेट नाइफ से मुझे बनाना होगा, और थोड़े दिन पहले ही मैंने पैलेट नाइफ का पूरा सेट फ्लेवर सम शॉप से मंगवाया था, तो आप जरूर मंगवाइए, उससे काफी हेल्प मिलती है। और आजकल ट्रेंडिंग केक्स के जो डिजाइन चल रहे हैं ना, उनमें इस तरीके के स्ट्रोक्स वाले डिजाइन काफी चल रहे हैं, तो अभी दिखाऊंगी कि कैसे मैंने डिजाइन बनाया है, पहले इसकी फाइनल आइसिंग कर लें। और आज फ्रेंड्स अपनी वॉइस के लिए आपसे माफी चाहूंगी, क्योंकि मेरा गला खराब है और कोल्ड एंड कफ हो रखा है, तबीयत भी ढीली है, बट काम कर रहा है इसलिए वॉइस ओवर कर रही हूँ। मैंने सोचा कि कुछ घंटे और रुक करके दवाई खा के करूंगी, बट गला ठीक ही नहीं हो रहा था और आपको वीडियो टाइम से देनी थी, तो यहाँ पर थोड़ी सी आवाज़ मेरी खराब आपको दिख रही होगी। पैलेट नाइफ से अच्छे से फिनिशिंग मैंने कर दी है, एक्स्ट्रा क्रीम सारी रिमूव कर दिया, फाइनली फिर से स्क्रेपर मार करके इसके अच्छे से कोटिंग करेंगे। और यहाँ देखिए हमारा बोर्ड लगभग कितना कवर हो गया है केक की आइसिंग करने के दौरान, अब जो थोड़ा सा स्पेस बचा है ना वो हमें चाहिए ही चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर ना चॉकलेट के जो लेटर्स हमने बनाए थे ना, उसे उस बच्ची का नाम लिखना है। और ये जो केक का ऑर्डर है ना फ्रेंड्स, वो जिस बच्ची का बर्थडे है उसका फर्स्ट बर्थडे है, तो इन्होंने फोटोग्राफ भी मेरे साथ शेयर किया, जो कि मैं वीडियो के एंड में आपके साथ शेयर करूंगी। उसकी ड्रेस, उसकी मम्मा की ड्रेस के जैसा ही हमारा केक होगा, एक्चुअली उन्होंने शायद मैचिंग मैचिंग किया होगा, तो उसी वजह से उन्होंने ये केक मुझे दिया है। तो ये हो गई फाइनल आइसिंग। अब फ्रेंड्स केक की डिज़ाइन बनाने के लिए ना मैंने प्लेट पर जो बची हुई फ्रॉस्टिंग बची थी कलर वाली वो रख ली है, और व्हाइट कलर की फ्रॉस्टिंग है वो रख ली है। मुझे शेड्स बनाने हैं लाइट कलर का पीच और थोड़ा सा डार्क, तो यहाँ पर ये तो हमने स्मच करके मिक्स करके शेड बना लिया, और इस वाले में मैं थोड़ा सा रेड कलर और डालूंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर थोड़ा डार्क शेड चाहिए। और हम क्रीम को अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे कलर में, ऐसे ही स्मच करके छोड़ देंगे ताकि शेडेड इफेक्ट हमारा आ जाए। तो ये रेडी हो गया है। अब फ्रेंड्स मैंने पैलेट नाइफ का लिया है ये वाला नाइफ जो आगे से ब्लंट होता है, और बस स्ट्रोक्स हमें मारने हैं कुछ इस तरीके से। ये देखिए क्रीम लगाइए और पैलेट नाइफ के हैंडल की तरफ उसे स्ट्रोक दीजिए, और यहाँ जब जैसे ही मैंने स्ट्रोक मारा ना, तो मुझे क्रीम थोड़ी सी ना फटी फटी लगी, तो फिर से मैंने स्मच किया है, और अब जो स्ट्रोक मार रही हूँ ना वो फिनिशिंग के संग आ रहे हैं। ये देखिए, तो कोई यहाँ पर सेट पैटर्न नहीं है, कहीं पर डार्क कहीं पर लाइट, मैं ऐसे ही मिक्स एंड मैच करके पूरे केक पर ये स्ट्रोक्स देने वाली हूँ। ये देखिए, बट फिनिशिंग का ध्यान रखिएगा, जो आप स्ट्रोक मार रहे हैं ना वो थोड़ा सा फिनिशिंग के साथ होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर कहीं लाइट कहीं डार्क कहीं पर वाइट, मैं मिक्स एंड मैच करके स्ट्रोक्स मार रही हूँ, आपको पास से भी दिखा देती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये देखिए, केवल आपको स्ट्रोक्स मारने हैं और इतना बढ़िया पैटर्न बन जाएगा ना, आप देखते रह जाएंगे। आजकल फॉरेन कंट्रीज में भी ना ये स्ट्रोक्स वाले जो केक के डिजाइन है वो काफी चल रहे हैं। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, अलग अलग शेड जो आ रहे हैं ना, थोड़ा सा रेड थोड़ा सा वाइट कहीं पर पिंक, तो ऐसा करते करते पूरे ही केक को हम कवर कर देते। तो मैं थोड़ा सा फास्ट करके आपको दिखा देती हूँ, मैं कट नहीं करूंगी, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैंने पूरे में कैसे स्ट्रोक्स मारे हैं। और ये देखिए पूरे ही केक पर मैं धीरे धीरे लगातार मारती जा रही हूँ, जो हमने क्रीम रेडी की थी वो इतनी सफिशियंट है कि इस केक में अच्छे से लग जाएगी ना, तो एक तरह से कह सकते हैं इस केक में क्रीम भी हमारी थोड़ी कम लगेगी। जनरली 1 kg के केक के लिए हमें लगभग 500 क्रीम चाहिए होगी, बट यहाँ 400 ml क्रीम से ही हमारा काम चल गया। और ये देखिए पूरे केक पर स्ट्रोक्स हमने मार दिए हैं। अब जो केक का टॉप है ना, वहाँ पर भी यही स्ट्रोक्स मारने हैं फ्रेंड्स, क्योंकि जो कस्टमर ने फोटो दिया ना उसमें मुझे जो समझ में आ रहा है उसमें ऐसा ही है कि पूरे केक पर ही स्ट्रोक्स मारने हैं। तो अभी साइड में थोड़ा सा बच रहा है, इसको भी फिनिश कर देते हैं। ये देखिए कम्प्लीट हो गया है। अब हम ऊपर भी स्ट्रोक्स मारेंगे, तो ऊपर के लिए हम बाहर से अंदर की तरफ स्ट्रोक मारेंगे। ये देखिए, और अब मेरी क्रीम जो है ना वो थोड़ी सी आपस में स्मजी हो चुकी है, कहीं पर भी लाइट और डार्क शेड नहीं दिख रहा है, तो बस इसी से मिक्स एंड मैच करके मैं इस सरफेस को भी कवर कर लूंगी। और ऑलमोस्ट हमारा जो केक का डिजाइन है वो उनकी फोटोग्राफ से मिलता है। और अभी थोड़ी सी गार्निशिंग जो हमने बनाई है, चॉकलेट बॉल्स बनाए हैं, बटरफ्लाईज लगाएंगे, अल्फाबेट लगाएंगे, तो हमारा केक बिल्कुल हुबहू उन्हीं के जैसा दिखने लगेगा। यहाँ पर ये देखिए कंप्लीट हो गया है हमारा ऊपर का स्ट्रोक भी, और साइड में मैं फोटोग्राफ भी आपको दिखा रही हूँ। देखिए अब यहाँ पर हमें लगाने हैं बटरफ्लाईज, तो यहाँ पर ना मेरे पास पिंक कलर की बटरफ्लाईज हैं, और भगवान का उस दिन शुक्र मना रही थी कि जैसी उन्होंने फोटोग्राफ भेजी मेरे पास वैसी ही है, मेरे पास पर्पल भी थी बट पिंक मेरी काम दे गई थी। यहाँ पर मैंने उनकी स्टिक्स हटा दी है क्योंकि केक में उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, और जस्ट इस तरीके से थोड़ा सा फोल्ड करके मैं इसे लगा रही हूँ, और कुछ ऊपर स्टैक हैं तो उनको मैं उसकी स्टिक के साथ ही इंसर्ट कर रही हूँ। ये देखिए, तो जैसे भी आपको लगानी हो आप लगा सकते हैं, मैं तो यहाँ फोटोग्राफ को देख करके ही सारा काम करने की कोशिश कर रही हूँ। तो एक बार फ्रेंड्स इस डिज़ाइन को जरूर ट्राई कीजिएगा, जैसे मेरे पास तो ये पिंक एंड व्हाइट में आया था ऑर्डर, आप अलग अलग कलर में ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए बटरफ्लाई मैंने लगा दी, एक थोड़ी मैंने बड़ी लगा दी है जो कि बाद में मुझे सही नहीं लगी,
तो उसको रिमूव करके मैंने फिर छोटे साइज की लगाई, क्योंकि कभी कभी ना एक की सिमेट्री भी हमें देखनी पड़ती है, अगर छोटी चीजों पर हम बड़े टॉपर लगाएंगे तो वो उतने इफेक्टिव नहीं लगेगी। और यहाँ पर देखिए छोटी वाली बटरफ्लाई भी लगा दी है और ऑलमोस्ट हमारा केक अब रेडी होने वाला है। ये बड़ी बटरफ्लाई मैं हटा देती हूँ और इसकी जगह छोटी वाली मैं लगा देती हूँ। ये देखिए तो कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, क्रीम से अपने आप ही स्टिक हो जाती है। और ये नॉन एडिबल है फ्रेंड्स, इन्हें आप खा नहीं सकते, ये जस्ट डेकोरेशन के लिए होती है। अब जो फ्रेंड्स केक है ना उसके ऊपर कुछ व्हाइट कलर के बॉल्स भी लगे हुए हैं पर्ल वाले, तो मेरे पास जो बड़े साइज के हैं ना मैं उन्हीं को लगा देती हूँ। बट अगर आपके पास ये ना हो ना तो आप घर में भी बना सकते हैं, इसका मेथड मैंने चैनल पर डाला हुआ है। और वो भी ना हो तो क्रीम के ड्रॉपलेट लगा करके भी ना आप व्हाइट ये बॉल वाला इफेक्ट दे सकते हैं। बट मेरे पास थे तो मैंने लगा दिए हैं जगह जगह पर। ये देखिए आराम से आप क्रीम पर इन्हें स्टिक कर दीजिएगा और ये आराम से स्टिक हो जाएगी। अब फ्रेंड्स बारी आती है चॉकलेट बॉल्स की, तो जो केक है ना उस पर चॉकलेट बॉल्स थोड़े शाइन कर रहे थे, तो इनको हमें भी शाइन वाला बनाना होगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, इन बॉल्स पर ही डायरेक्ट सिल्वर लश्कर जो डस्ट आता है ना ब्लॉसम का, उसको पंप से स्प्रे कर रही हूँ। तो देखिए एक अलग सी शाइन आ गई है और बस बिल्कुल फोटोग्राफ को देखते हुए मैं बॉल्स को ऊपर केक के प्लेस कर दूंगी। ये देखिए चार बॉल्स उनके में थे तो चार बॉल्स हमने भी लगा दिए हैं कुछ इस तरीके से। और इस तरीके से फ्रेंड्स हमारा केक तो रेडी हो गया है। अब उनके पास जो टॉपर लगा था ना, मैंने उन्हें बोल दिया था ऐसे टॉपर मुझ पर नहीं है तो मैं कोई नॉर्मल सा हैप्पी बर्थडे का टॉपर लगा दूंगी, तो उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो इस तरीके से केक तो फ्रेंड्स रेडी है। फाइनली इसके ऊपर मैं सिल्वर लश्कर डस्ट का स्प्रे कर दूंगी और अभी आप देखिएगा एक अलग सी ही शाइन हमारे केक में आ जाएगी। ये देखिए पास से आपको दिखाती हूँ। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम डस्ट में आप क्या डालती हैं, तो कुछ भी नहीं डालना है आपको। ड्राई पाउडर जो होता है ब्लॉसम का जो आता है लश्कर डस्ट, उसको आपको पंप में भरना है, पंप के पाइप को लगे रहने देना है और बस स्प्रे करना है। वैसे इसका एक डिटेल वीडियो मैं जल्दी लाने वाली हूँ ताकि सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाए और आप आराम से इस तरीके से शाइनी केक बना सके। इसे शाइन आता है, ये एडिबल होता है तो आप इसे खा भी सकते हैं। अब फ्रेंड्स फाइनली जो हमने अल्फाबेट बनाए थे ना हैप्पी बर्थडे वाले, वो हम प्लेस करेंगे। चॉकलेट के हैं, ऐसे ही आप रखेंगे तो स्टिक हो जाएंगे ये। यहाँ पर बच्चे का नाम जो था ना वो आद्या था, तो मैंने उसके हिसाब से अल्फाबेट सारे रेडी कर लिए हैं पहले से ही। और ऐसे अल्फाबेट जब भी लगाते हैं ना फ्रेंड्स हम अपने केक में, तो केक बहुत ही प्रोफेशनल लगने लगता है। और जिनका काम राइटिंग में गड़बड़ हो जाता है ना, मतलब लिखने में दिक्कत आती है, वो लोगों से तो मैं कहूंगी कि आप ऐसे ही अल्फाबेट्स लगाकर अपने केक को रेडी किया करें, इससे काफी अच्छा इफेक्ट आता है। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम क्या हम चॉकलेट गार्निशिंग को बना करके स्टोर कर सकते हैं, ये अल्फाबेट बनाते हैं तो उन्हें स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए जब मेरे पास केक का ऑर्डर आता है ना मैं तभी बनाती हूँ, क्योंकि चॉकलेट गार्निशिंग को स्टोर करना काफी दिक्कत देता है, फ्रिज में हम रख नहीं सकते आजकल गर्मी है। तो जब आपकी रिक्वायरमेंट हो आप तभी बना ले। और यहाँ पर बच्ची का नाम भी मैंने लिखिए निकाल लिया है अल्फाबेट से, आद्या है उसका नाम, यहाँ पर ADYA लिख करके नाम हो गया है कम्प्लीट। और यहाँ पर जो मेरे पास मिलता जुलता टॉपर मिला पिंक कलर का केक से रिलेटेड, वो मैंने यहाँ लगा दिया है। और देखिए बिल्कुल हमारा केक वैसा ही बना है जैसे उन्होंने फोटोग्राफ दी थी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये रेड वेलवेट का 1 KG केक का ऑर्डर टाइम से मैंने कम्प्लीट किया। ये कैसा आपको लगा जरूर बताइएगा, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब बारी आती है प्राइसिंग की, तो इस तरीके के केक को आप 800 से 900 रुपीज़ तक दे सकते हैं। और अगर डिलीवरी दूर कर रहे हैं तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज लगा सकते हैं। और ये कुछ फोटोग्राफ उन्होंने मेरे साथ शेयर की थी जो मैं आपके साथ कर रही हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।